अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह से हम लोग जो है आज फिफ्थ सहरी कर रहे और आज सहरी में हमारा है चिकन का सालन सार रोटी। और मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी बिकॉज हम लोग ने जो है 12:40 पे जो अफ्तारी में बचा था वही हमने दोबारा खा लिया और अब बिल्कुल भी ज़रा सी भूख नहीं लग रही। तो लेकिन वो खाना है अफ्तारी है सहरी है तो रोज़ा रखना तो खाना पड़ेगा। तो मैं खाती हूँ फिर मिलती हूँ। तो बस अब हमारी सहरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने रोज़ा रख लिया, अब हम वज़ू भी कर चुके हैं, अब हम जो है नमाज़ पढ़ने लगे। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ सुबह, अब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ब्लॉग जो है मैं यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर रही हूँ, अब यूनिवर्सिटी में आने पढ़ने ये मैं पढ़ रही हूँ, ये मेरी दोस्त है और रोज़ा बहुत इतना लग रहा है क्योंकि मैंने रात को सहरी भी नहीं की थी। बस अब पढ़ते घंटे के बाद मैं वापस जानी हूँ, अफ्ताई का टाइम हो जाएगा पढ़ाई स्टार्ट कर। हम लोग लेट हो गए अंकल बाहर आ गए, हम जल्दी जल्दी निकल गए। अच्छा जल्दी आप लोग अभी आ रहे ना, इजी हो गए। हाँ हम लोग जो है ना वो लेट हो गए हैं, अंकल बाहर आके गुस्सा कर रहे हैं, बस अब हम निकल रहे हैं, हम सर के साथ हंसी मजाक में मसरूफ। अच्छा तो पीछे आ रही है, मेरा कसूर नहीं है अब। हाँ फाइनली मैं आ गई हूँ घर और अब भूख बहुत शदीद लगने लग गई है, पहले नहीं लगी। अब मैं दिखाती हूँ मम्मा क्या क्या बना रही हैं। ये मम्मा जो है भल्ले बना रही हैं दही भल्लों का और मम्मा को आज पीटा ब्रेड बना रही हैं, मुझे नहीं पता फर्स्ट टाइम है मेरे ख्याल में खाऊंगी तो वो भी बनेगा तो मैं आपको वो भी खाऊंगी। अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं थोड़ी देर लेट नहीं जा रही हूँ जब तक अफ्तारी नहीं होती तो मैं मिलती हूँ। अब ये खाने की हमारी दोबारा सेकंड शिफ्ट लग रही है क्योंकि आज जो है इतना मैंने कुछ खाया ही नहीं था सहरी में, माइग्रेन बहुत बुरा हो गया था तो बस उस वजह से इतना कुछ खा नहीं पाई थी। अब मेरा ख्याल है 12 बज रहे हैं तो हम एक और दफ़ा जो है हमारी खाने की बारी आ गई क्योंकि बहुत शदीद भूख लग गई है। तो बस अब मैं ये खाती हूँ सार को, ये भी ड्रामा या कोई सीरीज़ देख लेती हूँ फिर सहरी सहरी का वेट करते हैं कि सहरी स्टार्ट हो जाए। मिनाहिल यहाँ पे सोई हुई है, उसने सुबह स्टे जाना है 6 AM, उसे यूनिवर्सिटी जाना है तो वो सोई हुई, उसको भी सहरी में उठाऊँगी। और आज का ब्लॉग बहुत पता नहीं क्या ही बना है पर स्टिल ढोल वाले आ गए, पर स्टिल मम्मा को 3 बजे उठाना है और नानों की तबीयत ठीक नहीं, वो भी सो रही है तो सहरी। सहरी का टाइम हो चुका है, अब मम्मा जो है वो सहरी के लिए उठ चुकी हैं, मैं थोड़ी देर बाकी चलो जब तक सहरी बन रही होती जब तक वॉक कर लेती हूँ क्योंकि मिनाहिल अमन सोई हुई है, वो लोग सॉरी अमन नहीं सोई हुई मिनाहिल सोई हुई है क्योंकि वो सुबह यूनिवर्सिटी गई थी तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है। हाँ तो फिर बस मैं जो अकेली हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा सजेस्ट करने को स्पेशल है नहीं तो बस अब मैं थोड़ी देर वॉक कर रही हूँ यहाँ पर और जब मम्मा जो है सहरी बना लेंगी तो मैं सहरी करूँगी। अभी तो मैं ऐसे अकेली यहाँ पे कोई भी नहीं है साथ और मैं यहाँ पे अब वॉक कर रही हूँ और बस थोड़ी देर तक फिर मैं अंदर जाती हूँ और फिर मैं जो है और फिर मैं जो हूँ सहरी करती हूँ और फिर टैक्सी अब और क्या आके बनाती हूँ। भी आ गई है मुझे वॉक में ज्वाइन करने, साथ ही अमन ब्लॉक में नहीं आई बिकॉज मैं गई हुई थी अपने को यूनिवर्सिटी और अमन घर पे थी। अमन हाय कर दो सबको, सलाम करो, हाय, चलो आप वॉक करते हैं आ जाओ। तो अब मैं और अमन वॉक करने लगे। अमन कितना बोल रहा है, मेरी एक बहन तो सो रही है, कितनी दफ़ा बताऊँ कि अमन नाहल सो रही है, नाहल सो रही है, हाँ तो हिल छोड़ी। अब हम लोग अंदर चले।
तो आज मम्मा जो हैं सैरी में मीठे अंडे बना रही हैं जो मैं मिक्स कर रही हूँ, उन्होंने मुझे तय मिक्स कर दो। और साथ क्या बन रहा है हमारी आलू की भुजिया बन रही है, क्योंकि उस दिन जो है हमारा पेट नहीं स्पेशली नहीं भरी थी, तो आज मम्मा दोबारा वही बना रही हैं। तो बस मैं ये मिक्स करती हूँ, हम लोग सैरी बनाते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों को। अगेन द सेम सैरी भुजिया पराठा, क्योंकि उस दिन हमें हमारी बिल्कुल भी जो है वो भूख नहीं ख़त्म हुई थी, तो मम्मा ने दोबारा बना दिया है। और मिनाहिला भूख चुकी है, वो अपनी सैरी कर रही है। और बस आई होप आप लोगों को एक ब्लॉग अच्छा लगा, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसको क्या करना है, हमें शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दें इसको। और अब मैं आपको मिलती कल, बाय बाय।